अगर आप किसी ऐप का रिव्यू कर रहे हैं या फिर आप यूट्यूबर है, आपका यूट्यूब पे गेमिंग चैनल है, तो आपको एक स्क्रीन रिकॉर्डिंग की जरूरत पड़ेगी। तो कौन सा बेस्ट स्क्रीन रिकॉर्डर है मोबाइल के लिए, वो मैं आपको डिटेल से बताने वाला हूँ। तो आपको क्या करना है, प्ले स्टोर जाना है, वहाँ पे आपको एक एप्लीकेशन टाइप करना है। आप ध्यान से देखें मैं यहाँ पे क्या टाइप कर रहा हूँ। यहाँ पे आपको टाइप करना है स्क्रीन रिकॉर्डर, ये आपको टाइप करना है। आप सर ध्यान से देख लें, यहाँ पे स्क्रीन रिकॉर्डर लिखा हुआ, यहाँ पे है KIMSI 929। इस एप्लीकेशन को डाउनलोड करना है, ये सबसे बेस्ट है, सिंपल है, एड फ्री है। इसका यहाँ डाउनलोड देख सकते हैं 1 करोड़ प्लस है। इसे आप क्या करें, डाउनलोड कर लें, और इसका क्या क्या यूज है, कैसे यूज करेंगे, वो मैं आपको डिटेल के साथ बताने वाला हूँ। किस तरह से स्क्रीन रिकॉर्डिंग करेंगे, जब ओपन करेंगे तो इस तरह से यहाँ पे शो होगा। सबसे पहले यहाँ पे देखें, जो भी आपने रिकॉर्डिंग किया है वो यहाँ पे दिखाई देगा। वैसे तो गैलरी पे ये वीडियो दिखाई देगा ही। अब मैं आपको बताऊँ सेटिंग, तो यहाँ पे देखें सेटिंग का ऑप्शन है, यहाँ पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे सेटिंग देखें। पहला ऑप्शन है टाइम डिले बिफोर रिकॉर्डिंग। अगर आप चाहते हैं कि रिकॉर्डिंग के पहले आपका कुछ टाइम लगे, कुछ सेकंड लगे, तो यहाँ पे क्लिक करके आप यहाँ से सेटिंग कर सकते हैं। अगर चाहते हैं तुरंत रिकॉर्डिंग हो तो यहाँ पे 0 कर सकते हैं, उसके बाद यहाँ से ओके करना है। अब यहाँ पे देखें एक ऑप्शन मैं दिखाता हूँ, यहाँ देखें मैजिक बटन, यहाँ पे जब क्लिक करेंगे तो आप यहाँ पे मैजिक बटन भी सेट कर सकते हैं। अगर चाहते हैं कि मैजिक बटन आपका स्क्रीन में दिखाई दे तो इसको आप यहां से इनेबल कर सकते हैं। मैजिक बटन शो यहां पर देख सकते हैं, लोक पोजीशन भी देख सकते हैं, लेकिन ये कोई जरूरी नहीं है, आप इसे ऑफ ही करें। अब यहां देखें स्टॉप ऑप्शन, अगर आप चाहते हैं कि आपका स्टॉप करने का यहां पर कुछ ऑप्शन आए तो आप देखें, यहां लिखा हुआ है स्टॉप रिकॉर्डिंग ऑन स्क्रीन ऑफ। अगर आपका मोबाइल स्क्रीन ऑफ रहे और चाहते हैं कि आपका रिकॉर्डिंग स्टॉप हो जाए तो इसको आप यहां से इनेबल कर दें, अगर नहीं चाहते हैं तो इसको यहां से डिसेबल कर दें। अब स्टॉप और नोटिफिकेशन, अगर चाहते हैं कि आपका जब रिकॉर्डिंग ऑफ हो तो नोटिफिकेशन में दिखा दे तो यहाँ से आप इनेबल कर सकते हैं, तो आपको क्या होगा कि नोटिफिकेशन में मालूम चल जाएगा कि आपका जो स्क्रीन रिकॉर्डिंग है वो ऑफ हो चुका है। अब यहाँ देखिए स्टॉप ऑन शेक, अगर चाहते हैं कि आप मोबाइल को शेक करें, हिलाए और आपका स्क्रीन रिकॉर्डिंग ऑफ हो जाए, तो आप यहाँ से सेटिंग कर सकते हैं। अब यहाँ देखिए एक ऑप्शन मैं दिखाता हूँ, पॉज रिकॉर्डिंग व्हेन द स्क्रीन ऑफ। अगर आपका मोबाइल का स्क्रीन ऑफ हो जाता है और आप चाहते हैं कि आपका जो रिकॉर्डिंग है वो पॉज हो जाए, तो आप इसको यहाँ से इनेबल कर सकते हैं इस तरह से। तो ये बहुत जरूरी है कि जब आपका मोबाइल स्क्रीन ऑफ होगा तो आपका स्क्रीन रिकॉर्डिंग ऑफ हो जाएगा। अब रेजुलेशन यहाँ से आप हाई यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं, ये वाला, इस पर क्लिक कर सकते हैं। अब नीचे है ओरिएंटेशन, यहाँ पे देखें पोर्ट्रेट मोड, लैंडस्केप, आप जैसा भी रखना चाहते हैं यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। अब यहाँ देखिए रिकॉर्ड ऑडियो, अगर आप चाहते हैं कि आपका स्क्रीन रिकॉर्डिंग में साथ साथ ऑडियो भी रिकॉर्ड हो तो इसको यहाँ से इनेबल कर सकते हैं। अब मैं नीचे देखें, यहाँ देखें ऑडियो सोर्स, ये बहुत जरूरी है। वो ये अगर आपका गेमिंग चैनल है तो यहाँ से आप माइक सेलेक्ट कर लें, इससे क्या होगा कि आप माइक के द्वारा आप इसमें स्क्रीन रिकॉर्डिंग कर सकते हैं माइक लगा के। अब यहाँ देखें शो टचेस, अगर चाहते हैं कि आप जो भी टच करें वो आप इंडिकेट हो, शो हो, इसको यहाँ से इनेबल करना होगा, और डेवलपर ऑप्शन आपको इनेबल करना होगा सेटिंग में जाकर। अब यहाँ पे देखें मैं आपको अगला ऑप्शन में नीचे दिखाता हूँ यहाँ पे, तो इसे आप क्या करें, अगर चाहते हैं कि जो आप टच कर रहे हो शो है तो यहाँ से इनेबल और डिसेबल कर सकते हैं। जो मेन है यहाँ देखें लोगो इमेज, तो जैसे मेरे स्क्रीन देख सकते हैं मेरा कर्सर है। अगर इस तरह चाहते हैं कि आपका भी माउस कर्सर दिखाई दे, सबसे पहले यहाँ पे कर्सर लगा देना है, कर्सर की इमेज लगाना है, यहाँ लोगो ओपेसिटी 100 कर देना है, और शो लोगो है इसको यहाँ से इनेबल करना है। इससे क्या होगा कि जैसा अभी मेरा स्क्रीन देख सकते हैं, मेरा स्क्रीन में एक माउस कर्सर है, मैं जो भी बता रहा हूँ वो माउस कर्सर के द्वारा इंडिकेट हो रहा है। तो ये सबसे बेस्ट है इस रिकॉर्डर के लिए। अब यहाँ देखें शो कैमरा पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर देखें, अगर चाहते हैं कि आपके स्क्रीन रिकॉर्डिंग में कैमरा भी शो हो तो यहाँ से इनेबल कर सकते हैं, और तो ये कोई जरूरी नहीं है। तो इसे क्या करें, इसे यहाँ से इनेबल या डिसेबल अपने हिसाब से कर ले। उसके बाद यहाँ पे देखें यूज कैमरा, तो यहाँ पे देखें यहाँ पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे दोनों कैमरा है दिखाई देगा, फ्रंट कैमरा रियल कैमरा। तो चलिए इसे बैक करते हैं, ये कोई खास है नहीं। तो इस तरह से एक सेटिंग है। अब आता है कि इसे आप रिकॉर्ड कैसे करेंगे, और तो रिकॉर्ड करने के लिए मैं आपको बता रहा हूँ किस तरह से आप रिकॉर्डिंग करेंगे। तो रिकॉर्ड करना बहुत आसान है, ये जो एप्लीकेशन है वो सबसे बेस्ट है स्क्रीन रिकॉर्डिंग के लिए, सबसे बेस्ट है। आपको क्या करना है, यहाँ पे देखें स्क्रीन रिकॉर्डर का इस तरह से एक लोगो आएगा,
इस पर क्लिक करना है। और यहाँ पे जब क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखें रिकॉर्डिंग का ऑप्शन है, इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे जैसे क्लिक करेंगे यहाँ पे इस तरह से आ जाएगा। अब यहाँ पे नीचे देखें लिखा हुआ स्टार्ट नाउ, आपको सिंपली सा स्टार्ट नाउ पे क्लिक करना है। यहाँ पे जैसे क्लिक करेंगे आपका स्क्रीन रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो जाएगा। अब बंद करने के लिए आप दो तरह से बंद कर सकते हैं, एक नोटिफिकेशन को स्लाइड करेंगे स्टॉप का बटन दिख जाएगा वहाँ पे क्लिक करके बंद कर सकते हैं, या फिर आप वहाँ पर देखें यहाँ पे क्लिक करेंगे तब तक जो रिकॉर्डिंग है वो बंद हो जाएगा। अब आता है इसे यहीं से भी आप इसको इस रिकॉर्डिंग को स्टार्ट कर सकते हैं। यहाँ पे जब क्लिक करेंगे ऊपर में यहाँ पे, तो यहाँ पे जैसे क्लिक करेंगे और यहाँ पे क्लिक करने का फिर से उसी तरह से यहाँ पे आएगा स्टार्ट नाउ। तो यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ इस तरह से आएगा। अब आपको सिंपली सा स्टार्ट नाउ पे क्लिक करेंगे तब पर रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो जाएगा। तो इस तरह से आप रिकॉर्डिंग को इनेबल कर सकते हैं और डिसेबल कर सकते हैं, ऑन कर सकते हैं, ऑफ कर सकते हैं।